ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन इसराइल को चारों तरफ से दहला रहे हैं। कभी हिजबुल्ला, कभी इराक का प्रतिरोधी समूह, तो कभी हूती। हूती ने तो 19 जुलाई 2024 को तेल अवीव के भीतर एक बहुत बड़ा हमला किया था। यह हमला एक ड्रोन के जरिए हुआ था जो अमेरिकी दूतावास के पास एक अपार्टमेंट पर जा गिरा था, और इस हमले में करीब 10 लोग घायल हुए थे और एक इजरायली की मौत हो गई थी। और हानिया की मौत में कथित तौर पर इसराइल का हाथ होने के चलते ईरान इस ताक में है कि इसराइल पर कब वो एक भीषण हमला कर सके जिससे उसे अधिक से अधिक नुकसान हो। और इसी कड़ी में IRGC के कमांडर चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इसराइल को जल्द ही बदले की चेतावनी दी है। और उसके ठीक एक दिन बाद तेल अवीव के रामला शहर में एक बड़ा हमला हुआ है। दरअसल यहाँ एक सड़क किनारे पार्किंग में खड़ी एक कार में ब्लास्ट हो गया जिसमें 4 इजरायलियों की मौत हो गई जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस धमाके के पीछे किसका हाथ है। वहीं धमाके को लेकर इसराइल की इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के मेगन डेविड एडम का कहना है कि एक स्टोर के करीब और रिहायशी इमारत के किनारे खड़ी कार में धमाका हुआ है। हालांकि इस धमाके को लेकर पुलिस पास ही में बसे अरब नेबरहुड में रहने वाले लोगों पर शक जता रही है क्योंकि रामला तेल अविव के पूर्व में स्थित है और यहां मिलीजुली आबादी रहती है। यहां यहूदियों के साथ अरब समुदाय के लोग भी रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच इसराइल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि ईरान एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है और वो इसका इस्तेमाल इसराइल पर इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए कर सकता है। और इसके ठीक बाद ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने फिर से इसराइल को ललकारा है। उन्होंने कहा कि इसराइल जल्द ही ईरान के बदले का स्वाद जरूर चखेगा। सलामी ने अपने बयान में कहा कि आज हम गाजा के लोगों का प्रतिरोध देखते हैं ये दर्दनाक दिखता है लेकिन ये फिलिस्तीनियों की सहनशीलता का रहस्य बन जाएगा। वो जल्द ही जीत का स्वाद चखेंगे और इसराइल जल्द ही अपनी दुष्टता का बदला देखेगा। सलामी ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि हम इसका अनुसरण करेंगे और सभी दुश्मनों को सजा देंगे और बदला लेंगे। अनुसरण करते हुए और दुश्मनों को सजा देते हुए और पिछले 45 दिनों में हमने जो हकीकत देखी है उसका बदला लेंगे। आपको बता दें कि मेजर जनरल सलामी के इस बयान से साफ हो गया है कि ईरान जल्द ही कुछ बड़ा करने वाला है और वो किसी भी सूरत में इसराइल के लिए अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि IRGC के टॉप कमांडर का इस तरह का बयान बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता।